हाय, माय नेम इज़ पारस अग्रवाल, आई एम फ्रॉम रामनगर, माय एज इज़ 26। मेरा लास्ट 3-4 साल से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। उसके लिए मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, 2-3 को, सब ने किसी ने मेडिसिन दी, किसी ने शैम्पू दिया, किसी ने ऑयल दिया, देन कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आए। लास्ट में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट सोचा कराने का। मेरी फ्रंट लाइन भी जाने लगी थी और मेरे काफ़ी जेनेटिकली हेयर फॉल था ये। वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंड मी फॉर दिस क्लिनिक। QST के मैंने काफ़ी रिव्यूज़ चेक करे, फिर मैंने आसपास में भी पता करा, तब जाकर के मैंने फाइनल QST डिसाइड करा कि मैं यहीं से अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। मैंने QST का नंबर गूगल से सर्च करके निकाला, देन मैंने कंसल्ट करा, तो देन डॉक्टर टोल्ड मी कि आपकी 2600 ग्राफ्स की नीड आएगी। अभी थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आज तक किसी को कराते नहीं देखा, सब वीडियोज में देखा था, आज खुद हो रहा है, तो थोड़ा लिटिल बिट नर्वस हूँ मैं आज। अभी मेरी सर्जरी थोड़ी देर में होने वाली है, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। बाकी मैं आपको सर्जरी होने के बाद अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आर चैनल येट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेट ऑन एवरी वीडियो। तो आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे हैं और मेरे को डॉक्टर्स ने QST और FUE टेक्निक बताई थी, बट उन्होंने सजेस्ट करा कि QST टेक्निक यूज़ कीजिए क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा बेस्ट होती है। और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को काफ़ी कम पेन हुआ इसमें। जब भी मेरे को पेन हो रहा था तो डॉक्टर्स मुझे एनेस्थीसिया दे दे रहे थे। मैं जब उन्हें बोल रहा था कि सर मुझे पेन हो रहा है, तो मेरे को एनेस्थीसिया दे दे रहे थे। और आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी हेयर लाइन वापस आ चुकी है। बाकी डॉक्टर्स ने मेरे को जंक फूड अवॉइड करने को कहा है, ऑयली फूड अवॉइड करने को कहा है, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आप जिम ना जाएं, हैवी वर्कआउट से बचें कम से कम 1 महीने के लिए। जो भी लोग आज की डेट में यूथ जनरेशन में हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी आगे की फ्रंट लाइन जा रही है, मैं सजेस्ट करूँगा उन्हें कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ, वरना इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी गिरता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप QST से ही कराएँ, क्योंकि यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं और रेट्स भी काफ़ी सही हैं। मिलते हैं अपने फर्स्ट PRP सेशन में, और मेरे जो भी रिजल्ट रहेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.